मौसी क्या करती है वो बहु बैठी हो चुप पा आई कुछ नुआ करत हूँ कलिया वलिया बन गया तो चटनी में खा पी ली है तो मैं कहा था हलवा बना दो गाजर का तो धरा रही तो कलियावा का हो जाए नहीं उपास से धाते हूँ नहीं सब बनावा हुआ। हाँ सही कहती है मौसी आओ बैठ जा फिर निकलियावा। अल्लाह कुछ की अम्मा तुम यहाँ ना बैठी है वो मैं सोचत रही तुम चौपार माँ बैठी है वो आगे तब बे बहुत जाड़ा पर है दो तीन दिन से। हाँ रानी बेटी अब तुम बैठ जाए यही था। अरे भैया रानी बेटी तब रिसा आ गई है अब हमारे ठा नहीं उती उती आई पता नहीं कहे गुस्सा ही गई है। अरे भौजी समय नहीं मिलता है जाड़े के मारे एक तो कहूँ लाठी निकल रहे ना इतना जाल लागत है। हाँ तो आज संगीता ना उती ना तो तुम ना उत्या मौसी गने से कि ना हम ए मराई कहा तो है कि त्योहार का पे पता नहीं है दू दू ठमाई सब त्योहार माने लागत है तो पता नहीं है कि ना कहने कहा तो है कि त्योहार कहा। अरे सोनू की अम्मा तुम आ गए का आया हुआ मैं सोचत रही हूँ कि लागत है आज मौसी कौड़ा जला है तो भीतर आ घुसी है मैं कहा जाने की बैठी है रसैया में आ घुसी है। अरे अब बैठ जा आ गई है उतनी एक लागत है बैठ जा। अम्मा रोटी बन गए दे जल्दी से भूख लागी तब भक्ति है महारानी यहाँ पे खा नहीं गए पूरी चटनी फिर से आ गए। तो अम्मा ही ने कहा इतने जन का बुलाया कहे कुमारी खवावतिया कहा कि कौन दूर रही संकाटा खवावतिया तब आप क्या जाते हैं कि नहीं जाते। ए अम्मा ताऊ अच्छी आई तब आप क्या चला जही ना कठो दरबार कर ले देखो आ जाओ करे घरे तो भक्के टूटे ना भाग दौड़ा करे। अम्मा एक गाठी प्याज दे दे तो मैं लाई नमकीन खा लेंगे फिर प्याज नहीं आए को सब बढ़ा गए। ए अम्मा काला भी लाई नहीं आई इतनी मई के ढाई किलो सब बढ़ा गए कहे प्याजो को हलुआ बनते का अच्छा जाते कि चिमटा छुआ दे तोरे कहने दिखाती है ऊपर अम्मा तो प्याजे प्याज ते धरे ही पुटकी गठिया गठिया तो ही भक्की है कि सरग माखी जाती है कतो न रही जाए एक को गाठी घर में। सही आ कहती है भौजी तुम बहुत जुगाड़ू हो का करो बिट्टी नीचे रख देओ ते दो दिन में भजिया बना के खा रही पूरी प्याजन का। हाँ तो अम्मा भजिया नीकी नहीं लगती है भैया बहन यार तुम्हों को भजिया नीकी लगती है ना नीकी लगती हो तो कमेंट करके बताया जरूर वीडियो पूरा देखे अम्मा बे सब बताई। अच्छा जाते कि नहीं जाते इतना मूड चढ़िया ना कर को आ जाओ कर घर में तो तोरे तोरे में अपने ना उधार रखो कुछ मना ही से बोले देव कर। हाँ भैया बहन यार देखा अब तुम अम्मा का चौरा सुने अम्मा जात हो अम्मा गुस्सा आती है ये कलुआ तुम्हार तो बिल्कुल भखमल करे है नाम रोशन करे है मौसी ये अब कुछ कहा ना यही का। मौसी तुम हो रही है ना उपासी गने से ऐहा उपासी रात इन साल भर में एक दर की आ बैठे तो रह ले खुआ थे। मौसी तुम कथा वथा कहो करती हो किताब उताब पढ़ के अरे एक भगवान के हजार कथा है कौन कथा कहा चाहे एक था कहिला एक था सो हजार था ए भौजी एक था फिर सुना दे हमहू का ए हाँ छोट के हमहू कही ले थे तो वह सुना देती हूँ तुम्हू का जो तुम्हारा मन है ए हाँ सुना दे मौसी चाहे छोटा सो बड़िया सुना दे कुछ तो अहा भूल उल जाऊं तो फिर तुम यह ना कहे कि भैया मौसी आम बात सुनाई थी जब तन के आओ थी वह सुनावत थी फिर हूँ की भरे अरे हाँ तुम सुनावत तो एक डोकरिया रहा वही के लड़का बहू रहा है तो वह डोकरिया जो है भगवान गणेश भगवान के इतनी पूजा करा करते रहिए इतनी पूजा करे माई हम तो एक ठप पूजा कर लिया थे तो कह देते हम बहु पूजे रही हैं मरी साल भर में एक ठप व्रत रख कर रखे हुए लेकिन वह डोकरिया जो रहा है ना तो साल भरे के चतुर्थी रहत रही है साल भरे की चौथ रहा भगवान एक दिन बहुत प्रसन्न हो गए एक दिन डोकरिया से कहें ये डोकरिया मांग ले वरदान तो डोकरिया कहती हाँ ठीक है कल मैं बताई हूँ लेकिन भगवान कहें जब सकाए डोकरिया गए मंदिर तो भगवान कहें डोकरिया तो फिर से आ गई मांग ले वरदान अब तो बुढ़ी हो गई है हम तो प्रसन्न बहुत हैं तो पूजा से तो फिर वो डोकरिया गए फिर सकाए भी तो कहें कि मांग ले वरदान तो कैसी नहीं भगवान गणेश भगवान मैं ना मंगियो मैं पहले अपने बहुरिया से पूछ आऊं फिर मैं तुमसे मंगियो तो भगवान कहें अरे डोकरिया ते कितनी बैकलिया ते पूजा तय कर थे कि तो पुताऊ कर थी तो मरदान तो ही आ देखे हमें लेकिन ते पुताऊ से कह पूछे जाती आई तो गणेश भगवान कहें कि देख हम ही कितनी ढारिस पूजी सी कितना पूजा की सी ठीक है मैं डोकरिया के बात माने लेत हूँ ठीक है डोकरिया ते सकाए अपने बहुरिया से पूछ आए फिर मांग ली ने तो डोकरिया खुश हुई गए तो फिर चली अपने घरे तो डोकरिया गए अपने घर में बैठ गए तो कहे आज अम्मा तुम बहु बैठी हो तो जब बहुरिया पूछिस तो डोकरिया से तो डोकरिया अनमन अनमन रहा कहे अम्मा तुम कहे अनमन हो तो कहीं कुछ नहीं कहे मैं जो बतावत ही हूँ तो कि गणेश भगवान मुझे दिखानी तीय पगलेट पुताऊ जो ही नमो मानी तो कहे मैं कहे देखी हूँ तो कहे से कि बहुरिया तुम्हें कुछ सामान तो मान ही चाह का
कुछ मांगे के तो मानो है भगवान से का मांगिया, तो कहीं की का मांगबे, हमारे बढ़िया गरीबी है धन दौलत हुई जा तो मांग लेबे, तो काफी में गणेश भगवान कहीं नहीं कि मांग ले दो करिए जो कुछ मांगे खोए। तो बहुरिया कह दीस कि जा तुम गणेश भगवान से कह देना कि हमारे खूब माई के धन दौलत हुई जा, हमारे धन दे दिया खूब सारा से। तो डोकरिया चली मंदिर अब, तो भगवान कहें कि पूछ आई अपने बहुरिया से, तो कैसे हाँ मैं पूछ आई हूँ, कह का लेख है, कह धन दौलत दे दिया हमारे धन दौलत नहीं है, कह ठीक है। फिर भगवान कहें कि ठीक है धन दौलत तुम्हें हुई जाए, लेकिन एक बार ते अपने लड़का से तो पूछ ले कम से कम, कहे हाउ जा तो फिर लड़कों से पूछ ले हूँ। अब डोकरिया अपने लड़का से पूछेगे का भैया रे भगवान में काती वरदान मांग ले तो का मांग ले हूं? तो वह कही लड़का कि मांग ले अम्मा नाती मांग ले था जो तुम कहा थी। डोकरिया सोचिस कि देख तो मुही सब को अपन अपन सोचा थे, अब मैं अंधर हूँ तो मुही को नहीं कहा था कि आँखी मांग ले। अब डोकरिया फिर अगले दिन मंदिर गए, फिर भगवान मिले, कहे डोकरिया सोच आई समझ आई अपने लड़का बहू से पूछ आई है ना, तो अनमन अनमन हो लाग, तो कहे का करो का न करो का न करो, अब भगवान तो सब जानते हैं अंतर्यामी है कि लागत है ये के वरदाना मिले थे, अब वहूँ मारिया अंधरिया है तो सोचा थी कि मैं लड़का मांगू कि यार लड़का का कहा मानो कि बेहू का कहा मानो किसका कहा मानो। अब इंगे भोले बाबा तो सब सुनत रहे हैं सब जानत रहे हैं कि अच्छा ये डोकरिया फंसी चक्कर माँ इनके बुद्धि काम नहीं देती। तो भोले बाबा एक दिन बुढ़ा रूप बनाई, अब बीच डोकरिया के रास्ते में आ गए, कहे बुढ़िया हुई आई मंदिर कराई पूजा मांग आई वरदान, तो काटी आए बाबा तुम का वरदान वरदान करती हो, मंदिर तो हावे है मंदिर लगे तो जाते हूँ कहाँ जाई हो, अरे कुछ तो बता डोकरी ते का वरदान मांगे। अरे बाबा मो समझ में नहीं आता का मांगो, लड़का पुता उनके लगे जात हूँ तो कहती नाती मांग ले, अब उनके लगे जाती हूँ तो कहे कि धन दौलत मांग ले, अब बताओ का करो मैं अंधर हूँ तब वरदान तो एक ठम मिली ऐसे थोड़ी ना मिल जाये। भोले बाबा सोचिन कि ये बिचारी डोकरिया की बुद्धि तो है नहीं है, पुराने जमाने की डोकरिया है हमें तो लागत है हम ही इनके बुद्धि कुछ दे कर पारी। तो भोले बाबा सोचिन अरे डोकरिया ते परेशान न हो तोरे मन के बात सब मिली, तय जय अदर की जय गणेश भगवान के मंदिर में पूजा करे गणेश भगवान की उपासी रहे, तो तैया कही दिन है जहाँ कहा वरदान माँ कि मैं सोने के कटोरा माँ दूध भात खाट अपने आखिन से अपन नाती देखूं। मैं बाबा का कही हूँ यताना, अरे पगलेट बुढ़िया यताना कही दिन है कि सोने के कटोरा में दूध भात खाट मैं अपने आखिन से नाती देखूं, तो एक वरदान में तो तीनों वरदान मिल जाये, तो धन दौलत आ जाये तो तय सोने का कटोरा बन जाये, अ कटोरा बन जाये तो फिर तोरे नाती हुई जाये, अब वही में तो दूध भात खा लगे सब कुछ आ जाये गणेश भगवान की कृपा से, तो चिंता कहे करती जा अब तो आँखी मिल जाये बढ़िया भगवान की कृपा से। जहाँ गे डोकरिया सवेरे सवेरे जल्दी से नहा धो के आज तो वरदान आ मिले की महिका, अब गणेश भगवान पूजा से प्रसन्न भे, कहे हाँ गणेश जी महाराज दया वरदान महिका आज। गणेश भगवान सोचिन रोज डोकरिया का मुही कहाँ का पड़त रहा, आज डोकरिया कहा थी अवे, तो भगवान कहें कि हाँ डोकरिया मांग हम तैयार हैं। डोकरिया अपन यही तान कहें तो वे कहें कि आज डोकरिया की बुद्धि बड़ी खुल गई बड़ी तेजी, तो कहें कहाँ से बुद्धि आई हुई। जब गणेश भगवान ध्यान लगाएं देखें तो सोचिन कि अरे भगवान हाँ भोलेनाथ इनके बुद्धि खोल दिन बुढ़िया के, कहीं चलो ठीक है बुढ़िया भोलेनाथ हर हर महादेव की पूरा वरदान दे दिन, बुढ़िया आई अपने जहाँ लौट के मंदिर में अपने नाती का दिखिस दूध भात खात सोने के कटोरा में, वही का बिल्कुल आँखी आ गई जेरा बिल्कुल गदगद ही गया बुढ़िया का। जब गणेश भगवान की पूजा से प्रसन्न हो गए सब जने तो सबको रहा ला गणेश से, और वह बुढ़ी भी संसार का देखिस, और यहीं पर गणेश भगवान की किस्सा समाप्त होती। बोलो गणेश भगवान की जय। आई भौजी बहुत नीक कथा रही है भले सुना दी ना भैया बनियारा, तुम्हू का यह कथा नीक लागे ना तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीन्हा, भैया बनियारा यह कथा नीक लागो ना गणेश भगवान के तो बहेरी वाली चुगली का सब्सक्राइब कर लीन्हा, अगले वीडियो में फिर मिलबे, जब तक का राम राम, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीन्हा, यह बात का ध्यान दीन्हा।